थोड़ा सा बॉयल करेंगे और साथ में थोड़ा सा जलाएंगे। ये देख लो, चिपकते नहीं ये। हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को स्वागत है हमारे एक और नया व्लॉग पे और साथ में गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7 बज रहा है तो मैं अभी पम्पकिन तोड़ने वाला हूँ। उस दिन भी सिंची ने पम्पकिन तोड़ी थी लेकिन वो ख़राब था, हम लोगों ने खाया नहीं, फेंक दिया। तो इस साल का नया पम्पकिन हम लोगों ने खाया नहीं, ये आज पहली बार खाने वाले है। ये देख लो, ये अच्छा है कि अच्छा नहीं ये इस साइड से। ओहो, निकल नहीं पाऊंगा तो मैं इस साइड से जाता हूँ और आप लोग थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ अभी बस। ओहो, एक लाइन बाकी है धान लगाने के लिए। सुबह से धान लगा रही है सिंची की सिस्टर। उसने सुबह से ये एक लाइन लगा दिया है और अभी ये बाकी है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जला दे उन्होंने हंग नहीं रंग भुगान चा जो दान बीच है ना, शायद हो जाएगा। देखने में ऐसा लगता है नहीं होगा लेकिन उस साइड में थोड़ा ज़्यादा है, नहीं होने से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, ज़्यादा तो नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा। तो चलो पम्पकिन तोड़ लेता हूँ। ओए मामा, ये इस साल का नया पम्पकिन, ये अच्छा है। आहा, गिर गया। और इस साइड में भी ये भी ख़राब हो गया है, ये ख़राब हो गया। लास्ट ईयर में बहुत सारा पम्पकिन मिला है हम लोगों को लेकिन इस साल में जो है ना, लेकिन इस साल में पम्पकिन ही नहीं है ज़्यादा, हम लोगों ने उगाया नहीं ये। हाँ, हम लोग 3-4 लोग के हो जाएगा, ये अच्छा है। हाँ, वहाँ का जो एक है ना वो खराब है, ये अच्छा है। हाँ, धान सुखाने वाला है, देख लो सब मुर्गी इकट्ठा हो गया है। धान सुखाने से पहले थोड़ा सा धूप दे रहा है लेकिन इस धूप का कोई भरोसा नहीं, कब बारिश आ जाए। ऊपर में देख लो बादल, कभी भी बारिश आ सकता है। वो लेके आ जाओ तो धान निकालता हूँ धान घर में से। ख़त्म हो गया है, आया स्थिति जो स्थिति धान है ना वो भी थोड़ा सा सुखाएंगे। अभी खेत का काम ख़त्म हो गया है लगाने के लिए तो ये जुलाई नेक्स्ट मंथ में साफ करेंगे, घास निकालेंगे धान का। ऐसा पूरा गंदा है, रोज बारिश गिरती है। शो, तो मैं ऊपर में जाऊंगा और उनकी सिस्टर आएगी धान लेने के लिए। धान अभी ज़्यादा नहीं है, हम लोग भी धान को बेचते थे थोड़ा सा क्योंकि
खर्चा भी लगता है, दान करते टाइम भी लोगों को बुलाते काम करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बेच देते, थोड़ा सा खाने के लिए रखता है और थोड़ा सा बेच देते, हो जाएगा शायद, क्योंकि अभी मार्केट से भी लाना पड़ेगा मुर्गी के लिए, साथ में कुत्ते के लिए, और राजा हाँस भी है, उन सब के लिए मार्केट से ला के देना पड़ेगा। आजीता को सुला दिया है, आ जाओ कोई यहाँ से दान ले जाने के लिए, तो चलो मैं ऊपर में चला जाता हूँ, आप लोगों को दान नहीं दिखाएंगे। अभी दीदी ने ये उस दिन मार्केट से ये चिप्स लाया था, चिट्ठी ना चिमटी बोलता है वो खा रही थी, उसको सफा कर रही है, अभी दान भी सुखा रही है। यहाँ पर दो पैकेट खराब कर दिया है, इसको खुला नहीं था, अभी खाने के लिए बहुत सारा अभी भी है बोल के खुला नहीं था, अर्जिता के लिए लाया था ये, और वहाँ पर फेंक दिया है थोड़ा सा, मुर्गी भी खाया नहीं खा रही है, देखो फेंक रही है, खा नहीं खा रही है, क्योंकि दान सुखाया है ना इसके लिए, वो लोग भी नहीं खा रही है वो चिप्स। आज तो बहुत अच्छा से दुख दे रही है, देखो आया ऐसा खा रही है इसकी, इसीलिए यहाँ पर बैठ के और मुर्गी भागा के लकड़ी से भागा रही है ऐसा करके, नहीं तो सब खा के ख़त्म करेगा, थोड़ा सा सूखा रही है क्योंकि दुख ज़्यादा नहीं देगा बोल के थोड़ा सा सूखा दिया है। आज तो देखो अर्जिता सोया है, उसको कपड़ा से ढक के रखा है क्योंकि वो है ना क्या बोलते हैं मच्छर काट लेगा, इसके लिए कपड़ा से बंद करके रखा हुआ है उसको। उठ रहे वहाँ पर रख रही है एक बकेट में, हाँ ऐसा करके रखो, धीरे से नहीं तो उठ जाएगा, ये उठने से सब मांग लेगा ये सब, नहीं तो एक एक करके देना पड़ेगा, नहीं तो वो सब देखने से सब खा लेगा, वो मांगते रहेगा वो। आज का धूप बहुत अच्छा दे रही है, आया देखो मुर्गी सब आ गया, भागना पड़ेगा नहीं तो खत्म कर देगा, सा 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 सा। शाम को रेसमेल में लेके जाएगा साइड, नहीं तो कल सुबह होगा ये। या शाम को विलेज में जा रहा हूँ, अभी 4 बज रहा है, सिंची को जो है ना बुद्धा खाने की मन हो रही है, वो भी स्टिकी वाला बुद्धा, जो स्टिकी राइस होता है ना उनकी तरह चिपकते हैं, नाम तो मुझे भी पता नहीं है, तो हम लोग उसको स्टिकी बुद्धा भी बोल सकते हैं, वो खाने का मन हो रही है, तो सुबह में उसने मुझे बोली विलेज में कॉल करके आप पूछ लेना मिलेगा कि नहीं वो वाला बुद्धा, तो मैंने विलेज में 2 लोगों को कॉल किया, एक ने बताया नहीं है, लेकिन एक ने बताया है, लेकिन अभी खाने के लिए टाइम नहीं हुआ है, फिर बाद में 2 या 3 बजे को कॉल किया, खुआ तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा तोड़ के लाया है, तो आप आके ले जाइए बोल के, तो वही मैं लाने के लिए जा रहा हूँ, आप लोगों को लाने के बाद दिखाऊंगा कैसा है क्या है, और आगे में स्नोबी जा रही है, स्नोबी ओ स्नोबी हाँ, मैंने उनको कितनी बार मना किया घर में जाने के लिए, लेकिन वो घर में जाती नहीं है, हाँ स्नोबी देख लो, हाँ कब से वो मेरा पीछे पीछे कर रही है, आजा घर में चली जाओ सभी, जा नुक्छा रियांगबो घर में चली जाओ, कब से वो मेरा पीछे पीछे कर रही है मेरे साथ जाने के लिए,
नुकचे अंगू जा जा देखो अभी भी रुका हुआ है वो जा नुकचे अंगू जा रही है तो मैं भी चलता हूँ लाने का बाद आप लोगों को दिखाऊंगा। घर पे आ गया है तो मेरी वाइफ छिलका निकाल रही है, थोड़ा सा बॉयल करेंगे और साथ में थोड़ा सा जलाएंगे। शायद मैं भूल गया मैं खाया है कि नहीं पहले क्या? ये वाला ऐसा जो हाँ गम का हाँ हाँ वो वाला तो वो जो है ना सिंची जो है ना किसी के घर में वो खाई है एक बार हाँ। तो उनको अच्छा लगी है, उनकी वजह से वो बार बार मुझे बोलती रहती है खाने का मन है एक बार पूछ लेना बोल के। नहीं तो दूसरा तो खाने के लिए मन नहीं है ऐसा वाला ही खाने के। तो ट्राई करके देख लेता हूँ हाँ। कैसा है ये आयु। जो स्टिकी वाला है ना वो थोड़ा सा बॉयल करने के लिए डाल दिया है और थोड़ा सा बस हो जाएगा बॉयल हो जाएगा। पांच डाल दिया है बॉयल करने के लिए और दो डाला देखियो। अच्छा ये धान सुखाया हुआ आज जो है ना ठीक से डूब दिया है लेकिन अभी बारिश अभी फिर बारिश थोड़ा थोड़ा गिर रही है। मैंने थोड़ा सा लकड़ी यहाँ पे सुखा के रखा था वो लाया नहीं ये तो ये लाके ये चूल्हा के आगे में रख दूंगा सूखने के लिए। बाद में आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा क्या होता है मुझे भी पता नहीं ये। दोस्तों हो गया है हमारे भुट्टा, हम लोगों ने ट्राई किया है लेकिन जो आप लोगों को मैंने बताया था स्टिकी या जो चिपकने वाला लेकिन चिपकते नहीं है ये। जो नॉर्मल है ना उसी की तरह है ये देख लो चिपकते नहीं ये। पता नहीं मैंने आंटी को बोला था गम वाला सेन भी थोड़ा सा भी नहीं है गम जैसा या ऐसा ही है या अलग तोरा है पता नहीं हम लोगों को भी जाते टाइम पूछना पड़ेगा। जो गम है ना वो ये चिपक जाता है ऐसा वाला तो मुझे पता नहीं है मैंने खाया नहीं है आज पहली बार खा रहा हूँ शायद उसने खाई है ना खाई है इसके लिए मालूम है मेरी। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ये तो नॉर्मल लग रहा है मुझे तो जाते टाइम मैं पूछ लूंगा ऐसा है कि नहीं। भी खा रही है नरम तो है थोड़ा सा है ना लेकिन ज्यादा नहीं ना वो जो स्थिति जैसे है ना वो तो बहुत चिपक हाँ, चिपकते हैं हाँ ऐसा। और मैया मैया ऐसा खा रहे दे दो उनको जो निकल के देना पड़ेगा सेंची के सिस्टर है ना वो खाती नहीं है उसने बोली है कभी भी वो खाई नहीं है मतलब खाने का मन नहीं है उनको ये सब तो वो खाती नहीं है। ओए रानी कॉफी का कहानी। ओ अच्छा ये कॉफी चलो यहाँ पे रख देता हूँ वरना अर्जिता गिरा देगी। हाँ हाँ। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। मैंने ये भी खाया है जलाया हुआ भी ये भी नॉर्मल ही लग रहा है मुझे और साथ में ये भी सभी ओ सभी सॉरी देखो तो दोबारा से हम ट्राई करेंगे फिर से क्योंकि अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अभी हुआ नहीं है थोड़ा टाइम हुआ नहीं है ये स्टिकी वाला का जो नॉर्मल है ना वो हो गया है लेकिन ये जो स्टिकी है ना वो हुआ नहीं है तो बाद में ट्राई करेंगे हाँ। कैसा है तो आज तो यही खा लेता हूँ।
मुझे पसंद है ये जलाया हुआ। मैंने ये भी खा के देखा है, ये भी खाया है, सब मुझे नॉर्मल जैसा ही लग रहा है। सब्जी के लिए आलू काट रही है, आलू बीन्स बनने वाली है आज सब्जी में। बीन्स बॉल करके रखा हुआ है जो बीन्स डिनर के लिए। और रानी इधर इधर, हां हां, ओ ओ बोले ली गई है नीचे। अरे ये दोहन खा ले तेरे को, थोड़ा खा के फेंक दिया अर्जिता ने। अर्जिता अर्जिता ये बाबा अभी है कि नहीं, थोड़ा ऐसा है कटोरी में, उनको जो है ना निकाल के देना पड़ेगा वरना वो फेंक देगी। हम्म।